मैं यहाँ कैसे पहुँचा? इसकी शुरुआत होती है। हाँ जी, तो इसकी शुरुआत होती है यहाँ से, यानी कि मेरे घर से। आज है 30 अगस्त और अभी बज रहे हैं उल्टा 12, और हम लोग जा रहे हैं कुछ जीतने। वो क्या जीतने? अभी आपको थोड़ा सा सबर कीजिए, उसके पहले गाड़ी तो स्टार्ट कर लें। जीतने की बात कर रहा था, हमें जीतना है ये। इसका नाम है मुंडिटोरिया। इसके बारे में और कुछ बात करें, उसके पहले थोड़ी ऑफ रोडिंग हो जाए। लेकिन रुको, बाइकों का ठिकाना भी तो ज़रूरी है। अब मित्रगणों की बारी, उनकी शक्लें, उनकी चाल, ये सब भी ज़रूरी है दिखाना। ये नज़ारा है अपने सौरव भाई का। अपने स्पोर्ट्स शूज को गीले होने से बचाना है तो ये तो करना ही होगा। ऊपर चढ़ने से पहले आशीर्वाद जरूरी है। हाँ जी, अब इस मुंडी टोलिया का देते हैं संपूर्ण परिचय। मुंडी यानी बिना वाल का सर, और टोरिया मतलब पहाड़। आगे आप समझदार हैं, इसका वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। ये सबसे कठिन रास्ता आ चुका है। यहाँ से यहाँ एकदम खड़ी चट्टान है नीचे गिरे तो, और इधर से सीधा। एक गाड़ी नहीं। हाँ देखो भाई, ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी बिल्कुल नहीं है कि इतनी मेहनत करो, पर ऐसे नज़ारे चाहिए तो समझ जाओ। वी आर कमिंग फ्रॉम ऑल द वे। मित्र वीडियो चैट करते हुए इस मुंडी टोरिया के अंतिम पड़ाव पर फाइनली हम लोग पहुंचने वाले हैं। देयर इज अ टॉप, वन साइड इज दिस और दूसरी तरफ ये। Thank you.
और अब आ रहे कि नहीं आ रहे, तो अब ऊंचाई का मजा ले रहे हैं। हमारे यहाँ का एकमात्र स्वास्थ्य वर्धक स्थान है ये हमारे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे अभी के समय तो बहुत ज्यादा वनस्पति दिख रहे हैं, नहीं तो इसको मुंडी टोरिया ऐसे ही नहीं कहते। यहाँ पे पेड़ पौधे बिल्कुल खत्म हो जाते हैं गर्मी के समय, इनको हम उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कह सकते हैं। ब्यूटीफुल प्लेस आ गए ना सब लोग, ये हमारे बड़े भाई शादी से बड़े परेशान, इसलिए ऊपर आए हैं। यहाँ प्लान भी बना रहे हैं कि शायद नीचे भी कूद जाएं, पर ठीक है, जैसे तैसे भीगते भागते नालों में डूबते डाबते ऊपर तक आ चुके हम छह लोग, अपनी अपनी व्यवस्थाओं में लगे हुए यहाँ पे। अब नहीं दिख रही, बस जो बोल रहा हूँ मुश्किल तो 5 मिनट लगा, फोटो कौन की आ रही 15 मिनट से। फाइनली हम लोग का मिशन कंप्लीट हुआ, जो कि इस पहाड़ के ऊपर चढ़ना था। और यदि बात करें इस मुंडी टोरिया की, तो ये मेरे गांव में ही स्थित है, और इसकी ऊंचाई की यदि बात करें तो लगभग 500 मीटर के समथिंग होगी, क्योंकि इसका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड तो अवेलेबल नहीं है। इसका कंप्लीट एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। लगभग 1.5-2 घंटे मस्ती और फोटोग्राफी करने के बाद हम लोगों ने उतरने का फैसला किया। दूसरी तरफ से हम लोग उतरे, इस तरफ से रास्ता काफ़ी आसान बना दिया गया है और उतरना काफी इजी है। ऑल द वे फ्रॉम देयर टू देयर द विंडो, पैरों के हाल बताएं अपने अपने। फील भी नहीं कर पा रहे कि किस टाइप का फील हो रहा है यहाँ से। कभी कभी ऑटोमेटिक मूव करता है। हाँ जी, तो पहाड़ी से नीचे उतर लिए, अब बचा थकावट दूर करना, और ये तो जन्नत है। हमने तो काफी मस्ती की, अब आपकी बारी। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो, लाइक ठोको, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक ठोको। बाकी अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।